हमास, हिजबुल्ला और ईरान को एक साथ पीट रही इजराइल पर पहली बार भारतीय सेना को होश सुरा देने वाले वीडियो सामने आया है। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इजराइल को लेकर कहा था, जो आप सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी के बयान आगे सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले इस तस्वीर में खड़े व्यक्ति को देखिए। ये व्यक्ति ईरान की बर्बादी के सबूत हैं। दरअसल ईरान ने इजराइल पर 200 हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए पहली बार अपने फतह पर मिसाइल का इस्तेमाल किया था। ईरान ने $300 मिलियन से ज्यादा के हथियार इजराइल पर दाग दिया, लेकिन सड़क पर मोबाइल देख रहे इस आदमी ने पूरा खेल ही पलट दिया। दरअसल ईरान ने पूरी ताकत लगाकर ताबड़तोड़ 200 मिसाइल इजराइल पर दाग दी, मगर बड़े मिसाइल से केवल एक व्यक्ति के ही मौत हुआ, जो मिसाइल गिरने से मर गया, वो भी फिलिस्तीन के रहने वाले थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये व्यक्ति इजराइल पर ईरान के मिसाइल देखकर खुश हो रहे थे, मगर इससे तुरंत कर्मों का फल मिल ही गया। ईरान के फतेह मिसाइल का एक टुकड़ा इसके ऊपर आकर गिर गया और ये मौके पर ही मौत हो गया। वैसे तो इजराइल ने कहा था कि मौके हमारी हैं। इजराइल अब ईरान के परमाणु से निशाना बना सकते हैं। इसी कड़ी में इस बड़ी जंग पर पहली बार भारतीय सेना का बड़ा बयान सामने आया है। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इजराइल के रणनीति की तारीफ की है। भारतीय सेना के प्रमुख हिजबुल्ला पर इजराइल के हमले को मास्टर स्ट्रोक बतलाया है। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी के मुताबिक इजराइल के स्टडी शानदार रही। उन्होंने कहा कि इजराइल कुछ अलग किया है। इजराइल ने तय किया था कि हमास उनका प्राथमिक लक्ष्य है, इसीलिए इजराइल ने पहले हमास को खत्म किया, उसके बाद हिजबुल्ला पर ध्यान केंद्रित किया और उससे उड़ा ही दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक समाप्त करते, फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।